आपके परमे नंबर 12.9 यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक हो, कोई भी चतुर्भुज ले लो और उसके कोण कैसे होने चाहिए? संपूरक, मतलब आमने सामने के कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। सम्मुख मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण कैसे हैं? 180 डिग्री। ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़े तो कितना आता है आपके 180। सबसे पहले तो सवाल में दिया हुआ, बताओ क्या दिया हुआ है? इसके जो सम्मुख कोण है वो कैसे है? समपूरक, मतलब कोण ए प्लस कोण सी, ए और सी को जोड़ने पर कितना आता है? 180 डिग्री, सवाल में दिया हुआ है। तो वह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है, हमें सिद्ध करना है अगर ऐसा है तो ये क्या होता है? एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। हमने प्रमेय की थी कौन सी? चक्र चतुर्भुज का आधारित प्रमेय की थी ना, जैसे किताब में उसको 12.8 लिखा हुआ है, उसका उल्टा है जस्ट। उसमें तो क्या किए थे हम? आमने सामने कोणों को क्या किए थे? 180 लाए थे, वो क्या हो गया था आपके चक्रीय चतुर्भुज? अब इसमें पहले से ही 180 दे रखा है कोणों का योग, तो हमें सिद्ध करना है ये जो आपके दे रखा है ये क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज। देखो तो वह एक चक्रीय चतुर्भुज है, हमें करना है सिद्ध। बताओ क्या सिद्ध करना है? कि ये जो दे रखा है ABCD ये क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है आपके? एक चक्रीय चतुर्भुज है, हमें यह सिद्ध करना है। अब देखो उत्पत्ति में लीजिए, है ध्यान से देखना। उत्पत्ति पहले करेंगे हम रचना, पहले क्या करेंगे? रचना करेंगे। अब लोग क्या रचना करेंगे? ये जो देखो चक्र चतुर्भुज में क्या नियम होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सभी बिंदु वृत्त की परिधि के अंदर आते हैं। तो हम यहाँ एक बिंदु लेंगे वृत्त की परिधि पर, इसका नाम दे देंगे सी डैश। क्या नाम दे देंगे? और इस सी डैश बिंदु को हम मिलाएंगे बी से। कैसे मिलाओगे? बी से। हम रचना करके यहाँ इस परिधि पर एक बिंदु लेंगे सी डैश, और इस सी डैश बिंदु को किससे मिलाएंगे? हम बी से मिलाएंगे। तो अंदर भी क्या बन जाएगा? एक चतुर्भुज बन जाएगा ये वाला। तो देखो क्या लिखोगे रचना में, हम एक बिंदु लेंगे, हम एक लेंगे बिंदु सी डैश लेंगे, सी डैश लिया और उसे किसे मिलाया? और उसे बी से मिलाया, बी से मिलाया, जिससे ये जो अंदर बना है इस बिंदु को मिलाना चतुर्भुज, ये भी कैसा चतुर्भुज आ जाए? एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाए। इसको भी क्या बनाना है हमें? एक चक्रीय चतुर्भुज। किसको? जिससे ए बी सी डैश डी भी क्या बन जाए? एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाए, चक्रीय चतुर्भुज बन जाए, चक्रीय चतुर्भुज बन जाए। हम इस वृत्त की परिधि पर एक बिंदु लेंगे सी डैश और इसको बी से मिलाएंगे, और ये मिलाने से ए बी सी डैश डी अंदर एक चतुर्भुज बनेगा, ये भी कैसा चतुर्भुज बन जाए? एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाए, हम ये रचना करेंगे। आप देखो उत्पत्ति में, उत्पत्ति में लीजिए ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये पॉइंट काट लेंगे जो हमारे पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बताओ? ये वाला कोण दोनों का जोड़ कितना है? 180 डिग्री। देखो एक तो ये वाला और एक ये वाला, क्या नाम है इसका? क्या नाम है? पूरा नाम लिख लो, डी ए कोण डी ए बी प्लस कोण, इसका पूरा नाम क्या नाम है? बी सी डी। क्या नाम है? कोण बी सी डी दोनों का जोड़ कितना होता है? 180। कारण क्या है? सवाल में दिया हुआ है, हमें दिया हुआ सवाल में। अब दूसरा, इसका जोड़ और इसका जोड़ भी कितना होता है? 180 डिग्री। कारण क्या है? हमने क्या किया रचना? ए बी सी डैश डी क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोणों का मान भी कितना होगा? दोनों का योग भी 180। इसका नाम पूरा डी ए, पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लो, या इसे अकेले लिखना चाहो तो अकेले लिख लो। क्या लिखोगे? कोण डी ए बी प्लस कोण, अब इसका नाम लिखना है इस वाले बी सी डैश डी। क्या लिखोगे? बी सी डैश
डी। दोनों का जोड़ कितना होता है? एस ओ सी दूरी। कारण क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय यस कह सकते हो। हमने क्या की थी इधर? रचना की थी, क्योंकि अंदर वाला भी क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। इसको तो मान लो समीकरण नंबर एक, और इसको मान लो समीकरण नंबर दो। उधर लिख देना पीछे। अब समीकरण नंबर एक व दो से क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर एक व दो से। अब एक और दो देखो, एक और दो क्या है आपके? ये एक और ये दो। इसमें ये दोनों बराबर, ये दोनों भी क्या होंगे? देखो 130 में भी ये दोनों बराबर, और इसमें डीएबी और इसमें भी। देखो ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर। इसमें ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? बराबर। क्या नाम है? कोण बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा? कोण बी सी डैश डी। हो गया। अब देखो, अब क्या करना है? इसे मान लो समीकरण नंबर तीन, तीन दे दो नाम। अब देखो इस समीकरण के अनुसार ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोण क्या है? बराबर। देखो इसका नाम बी सी डी, मतलब ये वाला कोण। दूसरा बी सी डैश डी, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? बराबर। अब लेंगे हम ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। इस भुजा का निष्कर्ष निकालना है हमें। ये वाला त्रिभुज ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। यहाँ क्या है? डी। यहाँ क्या है? सी। यहाँ क्या है? सी डैश। और इधर आगे ले जाओ तो क्या नाम है? डी। ठीक है, ये त्रिभुज लेंगे हम। बताओ इस त्रिभुज में देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण। ठीक है, अब नियम है। देखो हम लेंगे त्रिभुज, क्या नाम है? त्रिभुज बी सी और सी डैश से, बी सी और सी डैश। त्रिभुज में नियम होता है त्रिभुज के अंदर बनने वाले दो कोणों का योग त्रिभुज के तीसरे कोण के बाहर बनने वाले कोण के योग के बराबर होता है। मतलब ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में इस कोण और इस कोण का जोड़ त्रिभुज के तीसरे कोण के बाहर बनने वाले कोण के योग के बराबर होता है। मतलब इसको और इसको जोड़ोगे तो ये कोण आएगा। जैसे ये 50 है और ये 20 है, दोनों का जोड़ कितना? 70। तो ये बाहर वाला भी कितना होगा? 70। 9th क्लास में पढ़ा है हमने, त्रिभुज के अंदर दो कोणों का योग त्रिभुज के तीसरे कोण के बाहर बनने वाले कोण के बराबर होता है। मतलब इसका नाम क्या है? इसका इसका नाम है, यहां से ले लो, यहाँ सी डैश बी और सी, या सी बी सी डैश, सी बी सी डैश प्लस कोण एक ही हो गया, और एक है क्या नाम है? बी सी सी डैश। क्या हो गया? कोण बी सी, बी सी और सी डैश, इनका जोड़ किसके बराबर होता है? इसके बराबर। इस कोण का क्या नाम लिखोगे? बी सी डैश डी। कोण बी सी डैश डी के बराबर होता है। बताओ क्यों होता है? कारण क्या लिखोगे? 22 कोण, एंटीरियर एंगल, ये भी लिख सकते हो शॉर्ट में। 22 कोण हो गया, त्रिभुज के अंदर बनने वाले दो कोणों का योग त्रिभुज के बाहर बनने वाले तीसरे कोण के योग के बराबर होता है। अब देखो नियम, देखो बी सी डी, ये वाला जो कोण है ना, बी सी डैश लिखा है, इसको पूरा नाम लिखो, बी सी और डी हो जाए। यहाँ तक पूरा इस कोण को लिख रहे हैं बी सी और डी, ताकि क्या नाम है? बी सी डी, सॉरी यही है ना, ये वाला है बी सी डी, बी सी डी। और इस कोण का क्या नाम है? इसका सी बी सी डैश, सी बी सी डैश। इस कोण को पूरा लिखो बी सी डी, ताकि इस वाले कोण से मैच हो जाए। देखो ये देखो, इस समीकरण के अनुसार तो क्या था? ये दोनों कोण कैसे थे? बराबर। ये दोनों कोण कैसे थे? लेकिन इस समीकरण के अनुसार ऐसा नहीं है, ये वाला कोण बड़ा है और ये वाला कोण छोटा है। देखो अगर इस समय ये 5 है और ये भी कितना होगा? 5। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा है, ये 4 होगा और ये 1 होगा और ये कितना होगा? 5 होगा। यहाँ तो कह रहा है कि ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ये कोण छोटा है और ये कोण बड़ा है। देखो बी सी डैश डी 5, बी सी डैश डी 5, और यहाँ बी सी डी, यहाँ बी सी डी, यहाँ बीसीडी 5 है और यहाँ बीसीडी कितना है? 4 है। ऐसा नहीं हो सकता,
यह वाली समीकरण तो कह रही है कि ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, और ये वाली समीकरण कह रही है कि ये कोण बड़ा है और ये कोण छोटा है। मतलब क्या कह रही है, कोण बी सी डैश डी बड़ा है किससे, कोण बी सी डी से, कोण बी सी ये कोण का चिन्ह है और ये बड़ा का चिन्ह है। मतलब ये वाला कोण बड़ा है और ये वाला कोण क्या है, छोटा है। क्या ऐसा संभव है, क्या संभव नहीं है, मतलब यहाँ तो बराबर है और यहाँ बराबर है नहीं है, यहाँ छोटा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है। संभव नहीं है इसका मतलब क्या है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, अलग अलग नहीं है, ये दोनों लाइनें क्या है, एक ही है, अलग अलग नहीं है, ये दोनों लाइनें क्या है, एक ही है। मतलब ये लाइन भी यही है, इस लाइन का कोई अस्तित्व नहीं है, ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये दोनों लाइनें एक ही है। अतः क्या लिखोगे इसका, बी सी डैश व इसका नाम क्या है, बी सी, दोनों दोनों कैसी रेखाएं हैं, दोनों संपाती, दोनों संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं का मतलब ये दोनों लाइनें एक ही है, अलग अलग नहीं है। अगर एक ही है तो ये ए बी सी डी क्या होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज। अतः क्या लिखोगे, ए बी सी डी ए क्या है आपके, चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। आगे समझे, तब